और सरदारों, जो फूल डोर के मेले की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने हर साल धर्म को बढ़ाते हुए, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देते हुए जो इस आयोजन को इस गांव में तीन तीन जगह पर करते हो, वो बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं देंगे, तो वो अच्छी दिशा की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि भारत में जन्म लेना ही सरदारों एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भारत में हमें ऋषि मुनियों द्वारा, गीता रामायण द्वारा हर वो ज्ञान मिला है जिससे हम अपने जीवन को कमा के जा सकते हैं। और जीवन की कमाई धन कमाना नहीं सरदारों, जीवन की कमाई जीवन कमाना है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बच्चे अच्छा आपने ये आयोजन किया है समाज के लिए, गांव के लिए, और पूरे प्रचार जो आपने किया है और अलग अलग गांव से जो यहाँ पे सरदारी आई हैं, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही इस मेले को बना के रखेंगे और धर्म का प्रचार करते रहेंगे। साथ में मैं भी आपका बालक हूँ और आप लोगों के बीच में हमेशा आता रहूंगा, चाहे मैं कुछ बनूं या ना बनूं, मैं आपके बीच में हमेशा आता रहूंगा सरदारों। और धर्म का स्थान है, और यही कहूंगा कि हमेशा बच्चों को तैयार करने के लिए ऐसे आयोजन तो होने ही चाहिए, बाकी बच्चों के अंदर खेल कूद का प्रोग्राम भी जगह जगह होने चाहिए। क्योंकि बच्चों के अंदर मानसिक विकास सिर्फ खेल कूद से शारीरिक विकास ही नहीं होता, बच्चों का मानसिक विकास भी खेल कूद द्वारा होता है। जब बच्चा जीत हार की भावनाओं से निकलता है तो वो एक सोच बना, जो भी बुराइयां हैं या कोई भी जो ऐसी परेशानियां आती हैं उनसे लड़ने की उसके अंदर एक ताकत आ जाती है।